स्वागत है। आज का वीडियो जो होगा बहुत मजेदार होने वाला है, देखते रहिए हमारा आज का वीडियो में हम बताएंगे एक इंडिकेटर, एक दूसरा इंडिकेटर है सिंथेटिक इंडिकेटर जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। अब हम दिखाते हैं इस मिथाइल ऑरेंज को हम एसिड में और बेस में डालेंगे तो इसका रिएक्शन क्या होगा। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस ये है आपका जो पिछले वीडियो में हम बताए थे कास्टिक सोडा जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो गाइस इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम इसमें डालेंगे और उसके बाद हम मिथाइल ऑरेंज डालेंगे। उसके बाद देखिएगा गाइस इसका रिएक्शन इतना काफी है। तो गाइस ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं हम कास्टिक सोडा। अब गाइस हम इस कास्टिक सोडा में मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो कलर देखिएगा चेंजेस हो जाएगा। तो गाइस देखिए अचानक इसका कलर चेंज हो गया। वाओ अब देख रहे होंगे इसका कलर चेंज हो गया। वाओ सो अमेजिंग इसका कलर देख रहे हैं गाइस अचानक इसका कलर जो है ये चेंज हो गया है। आपको दिख रहा होगा ये तो बेस में हम डालें ये तो काफी गर्म हो गया है क्योंकि ये कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा अगर किसी के साथ रिएक्शन करता है तो वो हॉट हो जाता है। अब हम दिखाएंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो इसका कलर देखिएगा। देखिए गाइस ये है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसमें हम थोड़ा मात्रा में मिथाइल ऑरेंज डालेंगे। अब देखते हैं इसका कलर चेंज होता है या नहीं। तो गाइस ये है वाओ गाइस वाओ अचानक इसका कलर गजब हो चेंज हो गया पूरा गजब। वाओ तो ये बताता है ये इंडिकेटर अगर एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो इस कलर देगा, बेस के साथ रिएक्शन होगा तो इस कलर देगा। तो ये आपका इंडिकेटर था जो हम पिछले वीडियो में हम बताए थे एक फिनोफेथिलीन इंडिकेटर, उसी तरह ये आपका मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है गाइस आप इस तरह का वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।